हसन, अब तुम यहाँ अपनी नाक भी रगड़ोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। आईना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैम साहिबा अनाय को कत्ल करवाना चाहती हूँ, चाहती है कि मैं इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर ढूंढूं। जो दरार आनी थी आ गई। तुम्हारे डैड मान गए हैं, अब मैं जाऊंगी अनाय के घर। वालेकुम अस्सलाम। आइए। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। आप क्यों आए हैं यहाँ? बेटा कुछ बात करनी थी मुझे। आंटी उस दिन के बाद बात करने की कोई गुंजाइश नहीं रही, बेहतर होगा क्या आप... नाया मैं फरीद साहब के रवैये की पहले भी माफी मांग चुकी हूँ, एक बार फिर मैं माफी मांगती हूँ। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए। मैं एक बार फिर आपसे एक सवाल लेकर आई हूँ। मैं अनाया को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों की इजाजत चाहिए। हैरत है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने सोच लिया? सोचना पड़ता है भाई साहब, जब औलाद की जिंदगी का मामला हो तो सोचना पड़ता है। आप ही सोचिएगा, हम बस फरीद साहब की वजह से अपने बच्चों की खुशियों का कत्ल क्यों करें? माफ कीजिएगा बहन, मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे घर में नहीं भेजना चाहता जिसका मालिक उसे रखना ना चाहे। वो घर हसन का भी तो है और वो क्या चाहता है सब जानते हैं। और फिर जिंदगी तो हमारे बच्चों को साथ गुजारनी है ना। देखिए मसाइल तो हर घर में होते हैं, आप जहां भी अनाया का रिश्ता करेंगे वहां भी तो। जहां मैं अपनी बेटी को ब्याहूंगा, बहुत देखभाल के ब्याहूंगा, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अनाया की खुशी का क्या होगा? अनाया की खुशी हमारी खुशी में। भाई साहब जिसे आप खुशी समझ रहे हैं ना, वो खुशी नहीं है, वो सादत मंदी है। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत अच्छी बेटी से नवाजा है, आप उसे इम्तिहान में मत डालें। इम्तिहान में ही तो नहीं डालना चाहता, इसीलिए इनकार कर रहा हूं। आपके इनकार की वजह फरीद साहब है ना, तो वो तो हमेशा हसन के सर पर नहीं रहेंगे। जिंदगी तो हसन और अनाया को साथ गुजारनी है, और वो दोनों साथ होंगे ना तो वो किसी ना किसी तरह खुश रह लेंगे। लेकिन अगर वो लोग अलग हुए ना तो वो जिंदगी तो गुजारेंगे मगर जिएंगे नहीं। मैं चाय ले आऊं? नहीं, आप मुझे इजाजत दीजिए, चाय अब हमारे घर पे ही पियेंगे।
मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जो झूठ से नफरत नहीं है, आज जो झूठ पकड़ा जाए उससे बहुत नफरत है। सर मैं समझा नहीं। बात यह है, अगर तुम इतने मेहनती होते जितना बनने की कोशिश कर रहे हो, तो जो फाइल मेरे सामने पड़ी है इस पर कुछ और लिखा होता। सच तो यह है कि तुम एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के एक निकम्मे से स्टूडेंट हो। गालिबन सेठ फरीद का बेटा भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता। जी जी सर, हसन, हसन ने अपनी डिग्री वहीं से कंप्लीट की है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, 5 साल से हम लोग साथ ही हैं। नौकरी तो नहीं दे सकता मैं आपको, हाँ एक मशवरा दे सकता हूँ। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास नौकरी करें, मेरे ख्याल से यही आपके हक में बेहतर हो। सर वहाँ से तो ना ही है, दरअसल हसन की अपने वालिद साहब से नहीं बनती, वो तो खुद कहीं किसी और के पास जॉब कर। ठीक है, बताते हैं आप। जी ठीक है सर। आ गया मेरा बेटा ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आज ऑफिस? अच्छा था। आप अनाया के घर गई थी? गई थी। क्या कहा उसके माँ बापा ने? कहा तो कुछ नहीं, मैं जितना समझा सकती थी मैंने समझाया है। समझदार लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि मान जाएंगे। अनाया से मिली? मिली थी। कैसी है वो? अच्छी है मगर उदास है, पता नहीं किसके लिए। आपके बेटे के लिए और किसके लिए? आ जाओ अंदर आ जाओ। Hey, what's up? Hi. Wow, you're looking good. ऐसा करते हैं, अली को पिक कर लेते हैं, क्या ख्याल है? उसका नाम मत लो मेरे सामने, कुछ देर रिलैक्स करना चाहती हूँ बस। मेराल तुम ज्यादती कर रही हो, किस बात का गुस्सा है उस पर? कातिल ना ढूंढने का। मैं तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती अब। मेराल तुम किसी को कत्ल करवाने का सोच रही, एहसास है तुम्हें? मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो गई। तो मॉम डैड भी हसन के साथ मिल गए, अनाया की तरफ गई थी मॉम। देखो मेरा, आंटी ने कुछ सोच समझ के ही कदम उठाया,
और हसन की अपनी लाइफ है, वो जो चाहे फैसला ले। तुम अपनी दुनिया और आखिरत क्यों खराब करती हो? कहाँ जा रही हो? तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया। बकवास सुनने के लिए पिकनिक गया था मैंने। यार पागल हो गई हो? Shut up. फिर क्या सोचा आपने? किस हवाले से? हसन के। अरे उस बारे में क्या सोचना है, उस मगरूर आदमी के घर में मैं अपनी बेटी को ब्याहूंगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपकी बेटी की खुशी? सच कह रही थी आशना, अनाया की खामोशी उसकी खुशी नहीं है। बहुत फर्मा बरदार बच्ची है वो। मैं उसकी माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को पहचानती हूँ। एक तो ये तुम बार बार मुझे मत बताया करो कि तुम उसकी माँ हो। मैं भी उसका बाप हूँ और मैं भी समझता हूँ। है कहाँ वो? अभी तक नाश्ते भी क्यों नहीं आई? सो रही है क्या? गई थी मैं उसके कमरे में, सोई हुई है, गहरी नींद सो रही है। तो जगा कर उससे पूछना था ना कि तबीयत ठीक है या नहीं। ठीक, सारी रात जागती है, घर के चक्कर काटती रहती है, पता नहीं क्या सोचती रहती है मेरी मासूम बेटी। सो के उठ के आती है तो उसकी आंखों में देख के रोना आता है। अल्लाह रहम करे मेरी बेटी। ये ना सर, चाय पिए आप भी। वाह भाई, अब तू भी चाय पिलाने लगा। यार हसन, अल्लाह अल्लाह करके इस मनु से यूनिवर्सिटी से जाना छूटी। तुझे पूरे शहर में सिर्फ यही कैफे मिला। कुछ शर्म कर ले भाई, इसी यूनिवर्सिटी की वजह से तुझे जॉब मिली, शुक्रगुजार हो इसका। ओ भाई, फ्री नहीं पढ़ता था, फीस देता था, वही पैसे अब किस्तों में वापस आऊँ तनख्वाह की सूरत में। अजीब सोच है यार तेरी, मेरी कंपनी का ज़रा भी असर ना हो। तेरी कंपनी का असर तुझ पे खुद नहीं रहा हसन, काश यार तू वैसे ही होता। ऐसे तो मुझे मिला। डिग्री अप्लाई की तूने? डिग्री भी ले लेंगे यार, मार्कशीट पर नौकरी मिल गई, डिग्री भी मिल जाएगी। अच्छा वैसे एक बात बता, तेरी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह से तुझे क्या? बता यार, मैं कोई लूट नहीं लूँगा तेरी तनख्वाह। 60,000। 60,000? यार मुझे एक बात बता, इतनी मेहनत से पढ़ने का क्या फ़ायदा जब तू भी 60,000 कमा रहा है और मैं भी। 60,000? मैंने कहा पता नहीं कोई लाख दो लाख कमा रहा होगा। भैया तेरे से बहुत बेहतर हूँ, अच्छा है जैसे पास ही हो गया। 60,000? अरे टू बैड, मैं ज़रा इनसे मिल लूँ। यार क्या हसन, तू मुझे अब यहाँ छोड़ के इनसे मिलने जा रहे हो? ये दोस्ती है बस तेरी। मैंने ही इन्हें बुलाया है। अच्छा जा। कैसे आप लोग? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाए। सॉरी मैंने आप तीनों को सहमत दी है, असल में अनाया से मिलने की कोई सूरत ही नहीं निकल रही थी तो सोचा आप तीनों से मदद मांगूं। आपके कहने पे हम यहाँ आ तो गए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम आपकी कोई मदद कर सकेंगे। सॉरी, अनाया फैसला कर चुकी है, वो किसी की नहीं सुनेगी। आप उसे कुछ ना कहें, बस एक बार मुझे उसे मिलवा दें प्लीज। वो हमसे नाराज़ हो जाएगी, सारी ज़िंदगी हमसे बात नहीं करेगी।
नहीं, I'm sorry. देखिए, हम यहाँ पर आ गए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए. सॉरी, प्लीज़ हमारी भी सिचुएशन समझे ना. अगर मेरी और अनाया की मुलाकात ना हुई तो हम दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. देखिए, आपका बहुत एहसान है मुझ पर, और अगर ये दोनों आपकी मदद नहीं कर रही हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी. अनाया कल यूनिवर्सिटी आ रही है, टाइम अभी तक मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको कन्फर्म कर दूँगी. Thank you so much. Thank you. तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हमें उनकी मदद करनी चाहिए. आप लोग कुछ लेंगे, चाय कॉफी कुछ खा लें? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से अब हमें ना डिपार्टमेंट चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया ना. हाँ हाँ, मेरे ख्याल से फिर मिलेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. यू वेलकम. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू. मलंग, किस बात की इतनी खुशी है? कल अनाया यूनिवर्सिटी आ रही है. क्या? कुछ नहीं, तूने चाय पी ली? नहीं. चले? हाँ चल. अनाया यूनिवर्सिटी आ रही है. मिराल, मिराल बेटा दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुन लो. चले जाए यहां से, मुझे कुछ नहीं सुनना. बेटा प्लीज. बोलते रहे, मैं जवाब ही नहीं दूंगी अब. ठीक है, मैं भी यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलती. मुझे तो बहुत कहती थी, कोने में पड़ी रहती हूँ, 20x20 की कब्र में कैद है. अब तुम क्यों नहीं बाहर निकलती? क्यों कैद हो 20x20 की कब्र में? उठो उठो, जाओ बाहर, बदलो मंजर. यहाँ क्या कर रहे हैं? गए क्यों नहीं? बेटे मेरी बात समझने की कोशिश करो. मैं मजबूर था, अगर मैं हसन की बात ना मानता तो मैं उसे खो देता. सही कहते हैं, बेटे और बेटियां कभी बराबर हो ही नहीं सकते. तभी वक्त आने पर आपने बेटे को बचा लिया और बेटी को खो दिया. मिराल, मिराल बात तो सुनो. ये सब तुम्हारा किया धरा है. या अल्लाह, तूने किस आजमाइश में डाल दिया. तुम्हें क्या सोने के पैसे मिलते? जब देखो सोता रहता है. वाह, खराब कर दिया. ये सब कुछ मेरा वहम है, क्योंकि मरियम भी तो मर चुकी हैं और मुर्दे कभी वापस नहीं आते. और भूत, साय, रबिश, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है. मगर मरियम भी जो बातें कहा करती थी वो सब तो सच्ची निकली. तो क्या मैं पागल हो गई? नहीं, ये मेरा दिमाग और मेरा डर है जो मुझसे बात करता है. मैं पागल हो रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ. मगर
मगर मैं पागल नहीं हो सकती, मिराल को कुछ नहीं हो सकता, मिराल पागल नहीं हो सकती। मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अम्मी आप क्यों झाड़ू लगा रही हैं? आपको कितनी दफा मना करूं? बाबा कहाँ हैं? ऑफिस चले गए? रोज नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार करते हैं। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ये आके करती हूँ मैं। डिग्री मैंने अपनी अप्लाई करनी है। सुनो तुम ठीक हो? जी अम्मी बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी आंखों को भी अपनी तरह झूठ बोलना सिखा दो। अनाया प्लीज मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो चाहे फैसला करो। अनाया बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। बोलो हसन। अनाया अपनी बात करने का मौका दो, इसे चलते चलते कैसे करेंगे बात? जो कहना है कहो। अनाया प्लीज एक बार बात सुन लो। बोलो। कहीं बैठकर बात करते हैं। क्या हम दोनों सिर्फ शौक के साथी थे? पहली आजमाइश में ताल्लुक तोड़ दिया, मेरा नहीं सोचा। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है। खाक सोचा है ना, क्या मुस्तकबिल होगा? हम एक ही शहर में रहेंगे लेकिन दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, दूसरे को देख सकेंगे लेकिन किसी और के साथ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पाऊंगा। जरूरी नहीं है कि इंसान जो चाहे उसे वो मिल जाए। तुम जरूरी हो ना, तुम ना रही तो जाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हसन तुम मुझे भूल जाओ। ठीक है, गलती मेरी है, सजा भी मुझे मिलना चाहिए। मैं खुद को ऐसी सजा दूंगा कि तुम मुझे देखकर कहां पटोगे। तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं है तो मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? क्यों हसन? देखो ये सिचुएशन पहले ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है, प्लीज इसे और मुश्किल मत बनाओ। जो भी हो रहा है उसे कुदरत का फैसला समझकर कबूल कर लो। ये कुदरत का फैसला नहीं हो सकता, कुदरत तो इंसान से 70 माह जितना प्यार करती है, वो अपनी मखलूक की खुशी नहीं छीन सकती। कुदरत मोहब्बत बांटने का नाम, ये तो हम इंसान है जो मोहब्बत में जहर भरते। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, तुम खुद को मेरी जगह रख के क्यों नहीं सोचते? काश मैं तुम्हारी जगह होता ना, तुमसे कभी अलग ना होता, चाहे कयामत आ जाती। मैं इतनी बड़ी सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें किसी और के साथ देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा।
कोई किसी के लिए नहीं मरता। लेकिन मैं मर जाऊंगा। दूसरों की कोताहियों की सजा हम दोनों को नहीं दूं। तुझसे मेरी जिंदगी लीजिए। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। रो क्यों रहे हो? रोना मत करो। वादा करो चाहे कयामत आ जाए मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। वादा। वाह क्या चीज हो यार तुम। तुम्हारे घर रिश्ता लेने जाओ तो तुम लोग इनकार कर देते हो और यहां बैठकर मेरे भाई का ब्रेन वॉश कर रहे हो। नया तुम जाओ। जी जी आप जाइए। ये है ना आपका मुलाजिम मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए। आप जाइए प्लीज। अपना वादा याद रखना। लैला अपने मजनू को हमेशा याद रखो हमेशा। तुम जाओ। शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। तो देखो जरा गाड़ी क्या रिपेयर करा ली। लगता है हवाई जहाज ठीक करा लिया। 9790। आ जा बेटा आ जा। क्या आप लोग बिल लेके बैठ गए हैं फिर से? अरे इतना खर्चा हो रहा है बेटे। बाबा आपको जॉब करने की परमिशन इसलिए दी है कि आप स्ट्रेस लेते रहे। अरे नहीं बेटा स्ट्रेस नहीं ले रहा मैं। ये क्या गाड़ी का रिपेयर देखो जरा। क्यों आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेटर से कैलकुलेट क्या करें? मुझे दे मैं कर देती हूँ। दे छोड़ो क्या करोगी इतने ज्यादा पैसे। मैं जो हो गया छोड़े। क्या करती रही आज सारा दिन? बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है आप दोनों से। कल यूनिवर्सिटी गई थी मैं आज हसन मिला था। क्या कह रहा था हसन? बहुत परेशान था। कह रहा था कि हम उसके अब्बा की बात की सजा उसे क्यों दे रहे हैं। तुमने क्या जवाब दिया?
मुझे लगता है वो सही कह रहा था। क्या मतलब हुआ इस बात का? आप लोग सुरैया आंटी को इनकार करते हैं। बेटा एक बार अच्छी तरह और सोचो। अच्छा आदमी नहीं है उसका बाप, अजीब है। बाबा मैंने तो जिंदगी उसके साथ गुजारनी है ना। आपको मुझ पे एतबार है? ये पूछने वाली बात है बेटे। तो फिर मेरी चॉइस पे भी एतबार करें। बच्ची हो तुम, छोटी हो। बाबा मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस। ये अंदर रख देते हैं, ये निकाल लेते हैं। क्या हो रहा है? अब वो अनाया के घर वाले आने वाले ना। उन जाहिलों के लिए इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत है? कौसर जरा जाओ, जाकर नसरीन की मदद करो, ठीक से सफाई नहीं करती। जरा देखना अच्छी तरह सफाई हो जाए। अब तो उन्हें कबूल कर ले, उनसे हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। हम नहीं, तुम। तुम्हें मेराल की तकलीफ का अंदाजा है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हसन की शादी हो जाए तो हम अली और मेराल की शादी भी कर देंगे, वो तो अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कब आ रहे हैं वो लोग? शाम 6 बजे। मैं जा रहा हूं, देर से आऊंगा। 6 बजे तक आ जाएगा? मैं उन लोगों का इस घर में आना बर्दाश्त कर रहा हूं, यही काफी नहीं है? तुम और तुम्हारा बेटा संभाल लेना, मेरा इंतजार मत करना। क्या कह रही हो? कुछ नहीं, आप बताएं। क्या करूं मैं यार, अपने होने वाले सास ससुर का इंतजार कर रहे। अच्छी बात। अच्छा एक बात बताओ, ये वीकेंड कैसे रहेगा? किस लिए? शादी के लिए और किस लिए? इतनी जल्दी? ये जल्दी कहाँ है, 3 दिन है अभी। लेकिन तुम्हें क्या पता इंतजार के 3 दिन कितने मुश्किल होते हैं। थोड़ा सब्र करें। जो हुक्म। तो नेक्स्ट वीकेंड कैसे रहेगा? नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा? नेक्स्ट ईयर का तो पता नहीं, लेकिन अगर शादी ना हुई ना तो ये ईयर बहुत मुश्किल से गुजरेगा। अच्छा सुनो, मेरे सास ससुर आ चुके हैं, अब मैं उनसे थोड़ी बातें करूंगा, आपसे बाद में। डोंट डिस्टर्ब। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपना ख्याल रखकर थक चुका हूँ, अब जो रखना है वो आप रखेंगे। अच्छा चलें अब जाएं, अम्मी बाबा वेट कर रहे होंगे। बाय, खुदा हाफिज़। फरीद साहब कहाँ हैं? वो लाहौर गए हैं। दरअसल उनके ऑफिस की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, वरना इतने अहम मौके पे उनका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मगर आपको तो पता है दुनिया की मजबूरियाँ। जी समझ सकता हूँ। अनाया बेटी कैसी है? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बेटी है आपकी। मेरा तो बस नहीं चलता कि उसको कैसे मैं जल्दी से अपने घर ले आऊँ। आपकी मोहब्बत और खुलूस देखते हुए हम यहाँ हैं, वरना आप
आप जानती हैं पहली मुलाकात तो सच बात है कि जोड़े आसमानों पे ही बनते हैं, वरना फरीद साहब से मुलाकात के बाद तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि हसन की शादी अपनी बेटी से करूंगा। आपके जाने के बाद सोचा तो यही ख्याल आया कि क्या करना है ऐसी अना का जो बच्चों की खुशियां छीन ले। मेरा दिल कहता है कि आपके और हसन के होते हुए मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारी भी एक बेटी है। जी बस अल्लाह के बाद आप और हसन ही जमानत है। इनकी जमानत क्यों? अगर आप कहें तो ये घर, गाड़ी, बंगला, कंपनी सब अनाया के नाम कर देते, क्या ख्याल है? मिराल, तुम जाओ यहाँ से, मुझे इनके साथ बैठने का कोई शौक भी नहीं है। आप परेशान ना हो, ये बचपन से ही ऐसी है, अब तक इसका बचपना नहीं गया। और वैसे भी बच्चियां तो पराए घर की होती हैं, एक ना एक दिन चले ही जाना होता है, आप इसकी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो। आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं, ले चाय ठंडी हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल हमें इजाजत है। नहीं नहीं बेटा दो कुछ तो। शुक्रिया। जिंदगी